ईरानी सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने अलविदा किया। ईरानी सदर की 3 रोज़ा दौरे के दौरान सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें, तजारत समेत मुतअद्दिद माहदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। इब्राहिम रईसी का लाहौर और कराची का भी दौरा। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर हाजिरी। वज़ीर आला गवर्नर से मुलाकातें। जामे कराची से डॉक्टरेट की इजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात तारीख, सकाफत, मजहब से जुड़े हैं। दुनिया की कोई ताकत ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती। ईरानी सदर का दुनिया को वाज़ेह पैगाम, कहा पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीखी हैं। इनकलाब ईरान अभी ख़त्म नहीं हुआ। दुनिया में शैतानियत सरकशी के खिलाफ हमारे नारे जिंदा हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी ईरान की सबसे बड़ी तरजीह है। ईरान के साथ तजारती माहदों पर अमरीका सीखपा, तजारत करने वालों को इंतबाह। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा बिंदाद पटेल बोले, ईरान के साथ माहदे पर पाबंदियाँ लग सकती हैं। पाकिस्तानी हुकूमत अपनी खारजा पॉलिसी के मुताबिक ईरान के साथ मामला देख सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 1 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी से मुलाकात करेंगे। नून लीग सिंध के रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। सूबे की सियासी और अमन अमान से मुतालिक अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा भी मुतवक्के है। और पश्चिम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई। ऑपरेशन में भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताश करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।